सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। अगर कोई मनुष्य आपको केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा ना मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं। आज का पंचांग 12 मार्च 2022 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, सुबह 8:07 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 5:32 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:39 से 11:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:13 से 1 बजे तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। धनु राशि 12 मार्च 2022 दिन शनिवार, अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप अब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकलकर परिवार को भी समय दें। इस समय ग्रह स्थिति आपके पक्ष में बेहतरीन बनी हुई है, इसका उचित सम्मान करें। आप अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा घर तथा व्यवसाय संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों को भी शिक्षा संबंधित उचित परिणाम हासिल होंगे। परिस्थिति चाहे जितनी भी नकारात्मक हो, आप अपने स्थान को कमजोर नहीं होने देंगे। मानसिक तनाव से बचें। परिवार संबंधित बड़े निर्णय लेते समय आपकी राय आवश्यक होगी। लोगों के साथ संवाद ठीक से बनाए रखें। व्यापार करने वाले को बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। पार्टनर को आपके सहयोग और हिम्मत की आवश्यकता होगी। बालों से संबंधित समस्या महसूस हो सकती है। सावधानियाँ, किसी भी विपरीत स्थिति को धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है। किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आने से घर में तनाव का माहौल रहेगा। आपका हस्तक्षेप और सुझाव से समाधान भी निकल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसी तालमेल से परिस्थितियों को अनुकूल बना देंगे। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेगी। अपने पास कुछ ना हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल ही में किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखें यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे, इसलिए इस लालच से बचे और आराम से रहें। बात करते हैं करियर। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। आज के दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है या उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकते। अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाने से व्यवसाय में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधित कार्यों में आज अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। आपको व्यापार संबंधित नई नई जानकारियां हासिल होगी। बात करते हैं सेहत की। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है
आपको अपनी खान पान की आदत सुधारनी होगी। आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को काले तिल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।